गाइस, आई एम नेहा एंड आई मेक वीडियोस ऑन ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट्स एंड कुर्तीज। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड गाइस, मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कीजिए, वो पूरी वीडियो देखिए और उसमें जो मैंने आपको रूल्स बोले हैं फॉलो करने के लिए वो आप फटाफट से फॉलो कर लीजिए। तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें। तो गाइज, आज मैं आप लोग को कुछ कुर्तीज एंड कुर्ता सेट्स दिखाने वाली हूँ फ्रॉम अमेजोन। सो गाइज, जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता सेट। आई थिंक ये बेस वॉर्डरोब ब्रांड से है एंड रेड कलर की कुर्ती। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल कुर्ती है गाइज। इसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल ये गोटा पत्ती वर्क है जो कि काफी एलिगेंट लग रहा है। गोल्डन में है, रेड और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो तो वैसे ही लाजवाब है और एक फेस्टिव लुक के लिए एप्ट है ये कॉम्बिनेशन। तो अगर आप दिवाली वगैरह के लिए कोई अच्छा सा कुर्ता सेट खरीदना चाहते हैं या अगर करवा चौथ आ रहा है उसके लिए भी अगर आप अच्छा सा रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं तो दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, कोई प्रिंट नहीं है, ये वर्क है पूरी कुर्ती पे। एंड आप देख सकते हो नीचे तक ये वर्क है, नीचे भी आप देख सकते हो उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन वर्क दिया हुआ है एंड पूरी कुर्ती पे ही इस तरीके की वर्क है। और पीछे आप देख सकते हो कोई वर्क नहीं है बट इसके स्लीव्स में पीछे भी वर्क है एंड 3/4 लेंथ की स्लीव्स है। स्लीव्स में भी उन्होंने इस तरीके का गोल्डन वर्क दिया हुआ है और ये रेयन फैब्रिक में है, काफी लाइट और कंफर्टेबल फैब्रिक है गाइस। तो इसके साथ आपको मिलता है ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का दुपट्टा है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरीके की लेसिंग लगाई हुई है। नाउ ये जो लेसिंग है ये काफी अच्छी एक फेस्टिव वाइब दे रही है, फेस्टिव लुक दे रही है। एंड इसके ऊपर उन्होंने इस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है गोल्ड में जो कि काफी ब्यूटिफुल लगता है। एंड आप देखिए इसको ओवरऑल अगर आप वियर कर लेते हो और अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन लेते हो तो ये कितना अच्छा हैवी पार्टी वेयर लुक बन जाएगा और आप इसको किसी भी बड़े ओकेजन में बहुत आसानी से वियर कर सकते हो गाइस। तो इसके साथ आपको मिलता है ये शरारा। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर का शरारा जिसमें आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है वेस्ट में जो कि काफी स्ट्रेचेबल है। एंड शरारा में आप देख सकते हो नीचे उन्होंने इसी तरीके का गोल्डन लेसिंग दी हुई है जो कि काफी प्यारी लग रही है। एंड मुझे ओवरऑल ये जो कुर्ती सेट है इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है तो मैं फटाफट से इसको ट्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझ पे कैसा लगता है। सो गाइज, अब जो मैं कुर्ती दिखा रही हूँ आपको, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मजेंटा कलर की कुर्ती। एंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरीके का चेक्ड पैटर्न बना हुआ है पूरी कुर्ती पे। तो ये गोल्डन प्रिंट है इसके ऊपर एंड इसमें इन्होंने छोटा छोटा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत प्रिटी लग रहा है और 3/4 लेंथ की स्लीव्स है और स्लीव्स में भी उन्होंने इसी तरीके का फॉइल प्रिंट दिया हुआ है। तो दोनों ही स्लीव्स पे सेम उसी तरीके का प्रिंट है एंड दिस इज ऑल्सो आई थिंक रेयन फैब्रिक, रेयन जैसा ही फैब्रिक है, दिस इज नॉट कॉटन। तो आप देख सकते हैं नीचे जो इसका घेर है, घेर पे भी उन्होंने इसी तरीके का प्रिंट दिया हुआ है। तो बहुत ब्यूटीफुल फॉइल प्रिंट लग रहा है ये। सो दिस इज अ अनारकली स्टाइल कुर्ती, ये अनारकली स्टाइल कुर्ती है और बहुत प्रिटी है। राउंड नेक है इसका, आप इसको कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरीके की जो अनारकली स्टाइल कुर्तीज हैं उनको आप नॉर्मल लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं। एंड अगर आपकी बहुत ज्यादा हाइट नहीं है तो आई थिंक ये आपको फ्लोर लेंथ तक आएगा, तो उस केस में तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इसके नीचे क्या पहने। तो मुझे ऑल इन ऑल ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है और काफी अच्छा फेस्टिव वाइब आ रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको पहन के मैं अभी से तैयार होके
यू नो बैठ जाऊं। तो ये भी मैंने लार्ज साइज में लिया है, तो मैं इसको फटाफट से पहनती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लगता है। सो गाइस, ये जरी ब्रांड से कुर्ती है, आप देख सकते हैं दिस इज चिकनकारी वर्क एंड कॉटन फैब्रिक में है और आप देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल कॉटन फैब्रिक में है और चिकनकारी वर्क है पूरी कुर्ती पे। एंड आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे इसी फैब्रिक का, कॉटन फैब्रिक का उन्होंने बटन दिया हुआ है। एंड आई थिंक ये फुल स्लीव्स कुर्ती है, स्लीव्स में भी उन्होंने इस तरीके का वर्क दिया हुआ है। एंड पूरी कुर्ती में नीचे तक आप देख सकते हैं गाइज इसी तरीके का ब्यूटीफुल वर्क दिया हुआ है। और बैक में आप देख सकते हैं ये कुर्ती काफी प्लेन है, तो आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि हो जाए, तो इसके अंदर मुझे कुछ पहनना पड़ेगा। आई विल ट्राई एंड आई विल लेट यू नो कि ये मुझे ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता है। मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में लिया है ताकि अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेगेटी वगैरह भी पहनूं तो ये मुझे टाइट ना हो। और ऑल इन ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये प्रिंट है ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसके साथ येलो, ग्रीन, पिंक किसी भी तरीके की जो लेगिंग्स या जेगिंग्स है वो आप इसके साथ वियर कर सकते हैं और उसी कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर कुर्ता प्लाजो सेट बन जाएगा। एंड आई थिंक फेस्टिव सीजन के लिए भी ये बहुत एप्ट है और काफी अच्छा लगा मुझे ऑल इन ऑल। तो मैं इसको भी फटाफट से ट्राई करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लगता है। आपको कुर्ती दिखा रही हूँ ये ऑरेलिया ब्रांड से है, ग्रीन कलर की कुर्ती है और रेयॉन फैब्रिक में है गाइस। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं फॉइल प्रिंट है एंड ये थोड़ा सा यू नो स्टिकी है, तो मैं ये चीज देख के मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब ये जो फॉइल प्रिंट है ये आपस में थोड़ा चिपकते हैं। तो ये इस तरीके की कुर्ती है, मैं आपको अपना जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको इस चीज से कोई इशू है आप देख सकते हैं, तो आपको अगर इस चीज से कोई इशू है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट ये कुर्ती देखने में बहुत प्रिटी है एंड प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ग्रीन कलर की कुर्ती है, राउंड नेक है इसका, इसमें इन्होंने पिंक कलर का हिंट दिया हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली किसी भी पिंक कलर के प्लाजो पैंट के साथ बहुत ईजिली पहन सकते हैं। एंड गाइज आप देख सकते हैं 3/4 लेंथ की स्लीव्स है एंड यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का कट दिया हुआ है। आप देख सकते हो पूरे हैंड्स में उन्होंने इस तरीके का कट दिया हुआ है जो कि काफी डिजाइनर लगेगा, काफी स्टाइलिश लगेगा। एंड इसके साथ उन्होंने यहाँ पे पिंक मजेंटा कलर के बटन्स लगाए हुए हैं, सो डेफिनेटली ये जो कुर्ता है ये मजेंटा कलर के लेगिंग्स के साथ कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा जाएगा। एंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल जो इसका जो फॉइल प्रिंट है आप देख सकते हो बहुत हल्का है, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, मतलब आई डोंट नो आपको कैमरे में कितना पता चल रहा है या नहीं, बट सामने से डेफिनेटली ये पता चलेगा। एंड इसके ऊपर ये पिंक कलर का प्रिंट बना हुआ है एंड पीछे भी आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके का प्रिंट बना हुआ है। मुझे सामने से तो ये कुर्ता बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, यू नो पूरा प्रिंटेड है, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है इसमें, काफी रीजनेबली प्राइस्ड है एंड रेयॉन फैब्रिक में है। मैंने इसको लार्ज साइज में लिया है, तो मैं फटाफट से इसको अभी ट्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लगता है।
सो दैट वॉज ऑल गाइज, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.